हेलो दोस्तों, मेरा नाम मंसूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एसी। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आज हम करने जा रहे हैं एलजी डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी की सर्विस। तो चलिए अब हम इसकी ग्रिल खोल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ग्रिल खोल ली है और कॉयल काफ़ी ज़्यादा गंदी है, डस्टी है कॉयल। और मैं आपको ब्लोअर भी दिखाता हूँ, ये आप ब्लोअर भी देख सकते हैं। और ये देखिए बैक कॉयल पर भी काफ़ी डस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तो चलिए अब हम मार दें इस पर फोम स्प्रे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हमने मार दिया इस पर फटाफट फोम। अब हम करते हैं वॉशिंग स्टार्ट। और हाँ दोस्तों, आपको सर्विस जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी कुछ ध्यान रखना है सर्विस के दौरान। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे ना ध्यान रखने से बाद में हमारे एसी में प्रॉब्लम आती है, और अगर आप उसी टाइम वो चीज़ ध्यान रखोगे तो बाद में प्रॉब्लम आने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है और कोई भी दोबारा चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सर्विस के दौरान ही आप ध्यान रखोगे तो बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में पॉइंट आगे। आप देखते रहिए हमारी वीडियो, फुल वॉच कीजिए, और अगर आपने स्किप कर दी तो फिर हो सकता है कि वो मेन पार्ट, जो मेन पॉइंट है, वो आपके लिए मिस हो जाए और आप ध्यान ना दे सको और आपको भी नुकसान हो जाए। क्योंकि एसी तो हम सबके घर में ही है और सर्विस भी हम सीजन पे करीब 3-4 बार अराउंड बुलाते हैं टेक्नीशियन को, कभी किसी प्रॉब्लम के लिए, कभी किसी प्रॉब्लम के लिए। तो चलिए बाकी हम सर्विसिंग करते हैं कंटिन्यू, और आगे बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। हम आपको बताते हैं वो पॉइंट कि वो क्या पॉइंट है जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना आए आपके एसी में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही टेक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। और अब ऑलमोस्ट हमारे इंडोर की क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है, तो अब हम इसकी जैकेट उतार देते हैं। और आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से ब्लोअर क्लीन हो चुका है और इसकी कॉइल भी देखिए काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी है। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी ग्रिल वॉश। तो हमारे ग्रिल और फिल्टर भी अच्छी तरीके से वॉश हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आउटडोर की तरफ। तो ये है हमारा आउटडोर और आप आउटडोर देख सकते हैं। तो अब हम आपको आउटडोर की कंडीशन पीछे से दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है आउटडोर की कंडीशन, कितना ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कूलिंग कर भी रहा था या नहीं, इसमें इतनी ज़्यादा तो डस्ट है, तो ये ट्रिप ही मार रहा होगा और ओवरलोड भी दे रहा होगा। और अगर ओवरलोड ना ले, आप भी चाहते हैं कि ओवरलोड ना ले एसी, तो टाइम टू टाइम सर्विस कराइए, क्योंकि सर्विसिंग कराने से काफ़ी हमें फ़ायदा होता है। एक तो एसी की जो कूलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव होती है सर्विसिंग के बाद, और जो आपका लोड है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आता है आपका, तो काफ़ी बेनिफिट होता है एसी सर्विस कराने से टाइम टू टाइम। और एसी के अंदर और भी प्रॉब्लमें आ सकती हैं, जैसे गैस की हो गई, और भी प्रॉब्लमें हो गई, वो भी प्रॉब्लम कम हो जाती हैं सर्विस कराने से। तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग भी टाइम टू टाइम सर्विस लेते रहिए। तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारा आउटडोर भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। और ये देखिए इसका कंडेंसर कितना बुरा हाल था इसका, अब आप देखिए पूरा क्लीन हो चुका है अच्छी तरीके से। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इंडोर की तरफ। देखिए दोस्तों, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, जब हमारे एसी की सर्विस हो जाए तब हमें जो बैक ड्रेन ट्रे होती है एसी की, उसके अंदर एक बोतल पानी डलवाना चाहिए। पानी इसलिए डालते हैं हम लोग ताकि जो कचरा फंस जाए उसके फर्नल में,
जो ट्रेन के छोटे छोटे सी हॉल होते हैं जहाँ से पानी निकलता है वो ब्लॉक हो जाते हैं गंदगी से, ताकि वो भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए और आपके एसी में पानी की प्रॉब्लम ना आए। तो इस चीज़ का दोस्तों खास तौर से ध्यान रखें और हमारी वीडियो पर अपना प्यार ऐसे ही बना रखें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एसी से रिलेटेड वीडियो लाते रहें। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रहिए अपने।